हड़ताल पर हैं। पुरानी पेंशन बहाल करने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, खाली पदों पर नई नियुक्तियां करने समेत कई मांगों को लेकर ये हड़ताल की जा रही है। वहीं इसकी कुछ तस्वीरें पंचकुला समेत कई जिलों से सामने आई हैं। वहीं बात अगर हम रेवाड़ी की करें तो यहाँ पर हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। हड़ताल के बावजूद रेवाड़ी की सड़कों पर बसें दौड़ती हुई नजर आई और रेवाड़ी में चक्का जाम जैसा कोई असर नहीं दिखाई दिया। तो पंचकुला बहादुरगढ़ से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, चार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सिरसा, रोहतक, नरवाना, फरीदाबाद से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर 28 और 29 मार्च को हड़ताल जो है वो जारी रहेगी और यहां पर हड़ताल की जा रही है अपनी मांगों को लेकर। आपको बता दें कि सिरसा, रोहतक, नरवाना, फरीदाबाद की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर चक्का जाम साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि रोडवेज कर्मचारियों की मुख्य मांगे क्या है, लगातार आपको बता रहे हैं कि निजीकरण पर पूर्ण रोक जो है वो चाह रहे हैं। 14,000 सरकारी बसें शामिल की जाएं, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग रोडवेज कर्मचारी कर रहे हैं। परिचालक और क्लर्क का वेतन 35,400 रुपए लागू करने की भी मांग यहां पर की गई है। कोरोना काल में हुए घाटे की भरपाई करने के लिए 2,000 करोड़ का पैकेज जो है उसकी मांग यहाँ पर की जा रही है। तो रोडवेज कर्मचारियों की मुख्य मांगे क्या है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। खाली पदों पर पक्की भर्ती करने की बात जो है वो सामने आई है। निजीकरण पर पूर्ण रोक मांग रहे हैं। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग रोडवेज कर्मचारियों की मुख्य मांगों में शामिल है। परिचालक और क्लर्क का वेतन 35,400 रुपए लागू करने की भी मांग की गई है। वहीं 2,000 करोड़ का पैकेज जो है उसकी मांग की गई है। 5,000 रुपए जोखिम भत्ता एक महीने के भीतर एक महीने के वेतन के बराबर जो है उन्हें दिया जाना चाहिए। फरीदाबाद से मुकेश राजपूत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, जानना चाहेंगे आपसे जिससे लगातार मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारी यहां पर चक्का जाम किए हुए हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है और मुख्य मांगे भी हमने अपने दर्शकों को बताई और साथ ही साथ तारा ठाकुर जो है वो भी हमारे साथ पंचकुला से जुड़े हुए हैं। तारा, आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो माहौल है बना हुआ है, लगातार यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। सबसे पहले मैं मुकेश राजपूत का रुख करना चाहूंगी। मुकेश, आप बताइए किस तरह का माहौल आप फरीदाबाद में देख पा रहे हैं और क्या कुछ कहना है यहाँ पर प्रदर्शनकारियों का? लगातार रेल के कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं और आज भी जो है उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। दो दिन की जो है राष्ट्रव्यापी हड़ताल जो है रोडवेज कर्मचारियों की तरफ से की जा रही है और इस रोडवेज कर्मचारियों के साथ साथ तमाम सरकारी दफ्तरों के जो कर्मचारी हैं वो भी कहीं ना कहीं इन्हें समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं और अच्छा खासा असर कहीं ना कहीं फरीदाबाद के अंदर देखने को मिल रहा है इस जो है राष्ट्रव्यापी हड़ताल में, क्योंकि तमाम जो बसें रोडवेज की उनका चक्का जाम हो चुका है। जो आमजन जो है वो काफी परेशान, हमारे साथ रोडवेज के कर्मचारी भी मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे कि क्या क्यों कुछ मांगे हैं और किस तरीके से रहेंगे। सर, आपका सबसे पहला नाम क्या और क्या क्या मांगे हैं, मांगों को लेकर क्या चाहिए? मेरा नाम रविंदर नागर है और हमारी कोई अलग से मांग नहीं है, हम आम जनता के लिए ही मांग रहे हैं जो कुछ मांग रहे हैं। आज हमारी जो सबसे बड़ी मांग है वो ये है, अगर रोडवेज के बेड़े में 14,000 बसों का प्रबंध किया जाए, अगर रोडवेज के बेड़े में 14,000 बसें आती है तो बसों के साथ साथ आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी की भी, परिवहन मंत्री जी की भी वाह वाह होगी, क्योंकि अगर बसें आती हैं तो बस आने से युवा वर्ग को रोजगार भी मिलेगा और रोजगार मिलेगा तो दोनों सरकार की वाह वाह भी होगी। तो मैं कहना चाहता हूं ऐसा क्या है, प्राइवेट बसों को कोई मांग भी नहीं रहा, प्राइवेट बसों की कोई डिमांड नहीं है, फिर भी वे प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहली लड़ाई हमारी प्राइवेट की है और कह देना चाहते हैं परिवहन मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी अभी पीछे सेशन में कहते हैं पुरानी पेंशन को बहाल नहीं करेंगे। आप एक बात बताइए, जो कर्मचारी 30 साल 35 साल 40 साल नौकरी करता है उसके लिए तो पेंशन नहीं है और जो एक जी, बार 5 साल के लिए विधायक बढ़ता है या एमपी बढ़ता है उनके लिए लगातार पेंशन। मैं कहना चाहता हूँ ऐसा कर्मचारी ने क्या गुनाह कर दिया जो पेंशन नहीं मिलेगी? कितनी मांगे हैं मोटी मोटी अगर मांगों की? हमारी 30 मांग पत्र है, इसमें बहुत सारी मांग है। सबसे अहम मांग है कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, रोडवेज के बेड़े में नई बसों को प्रबंध करना और नई भर्ती करना, जो
कैटेगरी हमारे यहाँ पूरी चल रही है। ठीक है ठीक है, पंचकूला का रुख कर लेते हैं। तारा ठाकुर भी हमारे साथ मौजूद हैं। तारा ठाकुर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का आप वहाँ पे परिस्थितियाँ देख रहे हैं। देशव्यापी हड़ताल है, लेकिन ऐसी भी खबरें आ रही है कि कुछ एक बसें जो है यहाँ से चलाई जा रही है, तो जमीनी स्तर पर आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल श्वेता, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रव्यापी जो 10 ट्रेड यूनियन है, उनके आह्वान पर 28 और 29 की जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, उसको लेकर पंचकुला में भी असर देखने को मिल रहा है। और हरियाणा रोडवेज के जो कर्मचारी हैं और अन्य विभागों के जो यूनियंस हैं, उनके द्वारा 2 दिन की जो हड़ताल है उसका समर्थन किया जा रहा है। पंचकुला में फिलहाल अभी हालात सामान्य बने हुए हैं। रोडवेज के जो कर्मचारी हैं वो बस स्टैंड के बाहर अब प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, कल शाम तक उनका यह प्रदर्शन जारी रहेगा। लेकिन पंचकुला से विभिन्न जिलों के लिए जाने वाली, दिल्ली के लिए जाने वाली जो बसें हैं वो निरंतर अपने समय पर चल रही हैं। लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं हरियाणा के जो इसमें जींद, कैथल और हिसार जिला है, वहां पर जो है बसें नहीं भेजी जा रही है, क्योंकि हरियाणा रोडवेज के जो GM है पंचकुला के, उनका कहना है कि वहां पर बसों को क्षति पहुंच सकती है या किसी प्रकार से सर्विस में जो है बाधा आ सकती है, उसके लिए उन जिलों पर जो है बसें नहीं भेजी जा रही। लेकिन इसके अलावा दिल्ली और अन्य जो राज्यों को लेकर जो बसें यहां से जाती हैं वो सभी चल रही हैं। लगातार हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी बस स्टैंड के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांगे काफी सारी हैं, सरकार से लगातार मांग करते आए हैं, लेकिन सरकार और कर्मचारियों के बीच अपनी मांगों को लेकर जो है सहमति न बन पाने के चलते अब जो है 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर जो है रोडवेज के कर्मचारी चले गए हैं। हरियाणा रोडवेज का सांझा मोर्चा, जिसमें 11 यूनियन है हरियाणा रोडवेज की, वो इस हड़ताल में शामिल है। और साथ ही जिस प्रकार से लगातार ये मांग करते आ रहे हैं कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 14,000 बसों के साथ साथ जिस प्रकार से लगातार ठेकेदारी प्रथा या निजीकरण किया जा रहा है उसको सरकार के द्वारा बंद किया जाए, और साथ ही पुरानी जो पेंशन स्कीम थी जो कर्मचारियों को दी जाती थी उसकी बहाली की जाए, द्वारा से पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। इसके अलावा अन्य जोखिम भत्ते और जो कर्मचारियों की मांगे हैं उनको लेकर यह 2 दिन की हड़ताल पर है। आप पीछे मेरे देख सकते हैं लगातार जो है कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं और सरकार से लगातार वो मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार से उनकी मांगे सरकार के आगे रखी गई है उनको जल्द से जल्द विचार करने के बाद पूरा किया जाएगी। बिल्कुल, अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन जो है रोडवेज कर्मचारी कर रहे हैं। बहादुरगढ़ से ललित हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, वहीं रेवाड़ी से अजय अत्री भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं ललित कुमार का रुख करना चाहूंगी। ललित जी, किस तरह से आप देख पा रहे हैं बहादुरगढ़ में किस तरह का माहौल है? कहा जा रहा है कि कुछ एक जिलों में जो सर्विसेज हैं वो बाधित देखने को मिल रही हैं, लेकिन आम तौर पर जो है बसें यहां पर चलाई जा रही हैं, तो बहादुरगढ़ में किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं? क्या यहां पर बसें चल रही हैं? किस तरह से आम जनता को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और क्या कुछ कहना है रोडवेज कर्मचारियों का अपनी मांगों को लेकर? जी सुवेता, बिल्कुल, बहादुरगढ़ की बात की जाए तो बहादुरगढ़ में भी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं और विभिन्न विभागों के कर्मचारी देवीलाल पार्क में इकट्ठा हो रहे हैं और यहां से इकट्ठा होकर शहर भर में प्रदर्शन किया जाएगा। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार से जो कर्मचारी हैं यहाँ पहुंचना स्टार्ट हो गए हैं और जैसे ही 12 बजेंगे यहाँ इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया जाएगा। और रोडवेज की बात की जाए तो रोडवेज के जो कर्मचारी हैं वह हड़ताल पर नहीं है, हर रोज की तरह जो बसें चलती हैं उसी प्रकार से यहाँ पर बसें चल रही हैं। और जो डाकखाना के कर्मचारी हैं वह हड़ताल पर है, नगर परिषद के कर्मचारी हड़ताल पर है, बिजली कर्मचारी हड़ताल पर है और अन्य विभाग के जो कर्मचारी हैं वह हड़ताल पर है। उसी को लेकर हमारे साथ कर्मचारी नेता हैं बंसीलाल जी, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है? क्या नाम है आप? मेरा नाम बंसीलाल है और हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन का राज्य उपाध्यक्ष हूँ। आज हम 2 दिवसीय हड़ताल कर रहे हैं पूरे प्रदेश में और हमारी ये जो केंद्र जो सरकार है मोदी सरकार, उसमें हमारे तो जो न्यू पेंशन स्कीम उसको खत्म कर ओल्ड पेंशन की हमारी मांग है। उसके अलावा जो लेबर लॉ है जिसमें बदलाव कर रहे हैं उसको ना करके उन्हीं में सुधार करके अच्छी जो लेबर लॉ वो लागू करें और जो निजीकरण की जो प्रक्रिया तेजी से केंद्र सरकार लागू कर रही है राज्यों में भी उस पर रोक लगाई जाए और स्थायी भर्ती का प्रावधान जो है जो बेरोजगार हमारे नागरिक है उनको स्थायी रोजगार दिया जाए और जो कच्ची भर्ती के जो कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए। काफी हमारी मांगे हैं, जो कर्मचारी खतरा काम करते हैं बिजली वाले हैं या और डिपार्टमेंट वाले हैं नगर पालिका के हैं वो भी शिविर में काम करते हैं बेचारे शहीद हो जाते हैं, तो उनको रिस्क अलाउंस की मांग हमारी है। और ये जो काफी लाखों की संख्या में पद खाली पड़े हुए अनेक विभागों में जिसमें बिजली के भी हैं, पानी के भी, शिक्षक भी हैं और भी विभाग है, तमाम विभागों में जो है स्थायी भर्ती की जाए और ताकि नागरिकों को बेहतर सुविधा दी जा सके और ये देश तरक्की की तरफ चले। शिक्षा का भी मामला जो है, शिक्षा में भी सुधार की जरूरत है,
लेकिन उसमें सबसे पहले शिक्षक जरूरी है और जो स्कूलों की दशा है उसको सुधारने की जरूरत है। इन तमाम मांगों को हम दो दिन से सरकार आप भी नहीं मानती तो आगामी क्या रणनीति रहेगी? हमारा तो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे केंद्र की जो ट्रेड यूनियन है वो जो फैसला लेगी हम उनके साथ है। हमारे जो किसान है उनकी मांगों के बारे में जो बातचीत हुई थी केंद्र सरकार की उनको अभी तक लागू नहीं किया, इन कोई बातचीत से जो सुलझा जाए मसला, ये भी हमारी मांग। चलिए हमारे साथ बिल्कुल पेंशन निजीकरण स्थायी भर्ती पक्का करने की मांग को लेकर लगातार रोडवेज कर्मचारी जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। रेवाड़ी में क्या कुछ हालात है जान लेते हैं। अजय अत्री हमारे संवाददाता हमारे से जुड़े हुए हैं। अजय आपसे जानना चाहेंगे रेवाड़ी में किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं, क्या यहाँ से बसें चलाई जा रही है, क्या कुछ कहना है कर्मचारियों का जो की हड़ताल कर रहे हैं और किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं, आम जनता को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर? जी बिल्कुल श्वेता, आपको बता दें कि केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर 28 व 29 मार्च को जो प्रस्तावित और घोषित कहे कि राष्ट्रव्यापी हड़ताल है उसका यहाँ मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। बात अगर रोडवेज की कर्मचारियों की करने लगे तो आपको बता दें कि रोडवेज के यहाँ बस अड्डा के अंदर और वर्कशॉप के अंदर कर्मचारी आज सुबह सवेरे से ही धरने पे बैठे हुए हैं और लगातार जो सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से कर्मचारी यहाँ जो है बसें पूरी तरह से बंद पड़ी है और कर्मचारी यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि निजीकरण के विरोध में उनका ये धरना प्रदर्शन और राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। साथ ही साथ जो पेंशन है उसकी बहाली को लेकर के लगातार लंबे समय से कर्मचारी मांग करते आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बहुत सारे विभागों के अंदर जो पद खाली पड़े उन पदों को भरने की भी मांग इन कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है और लगातार ये लंबे समय से ये कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, बावजूद इसके कि सरकार उनकी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। और उसी का नतीजा है कि अब केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर यहाँ लगातार ये जो है दो दिवसीय एक हड़ताल कहें कि हड़ताल यहाँ पर शुरू कर दी गई है कर्मचारियों के द्वारा। अब इनका साफ तौर पर कहना है कि जो प्रदेश कमेटी है कर्मचारियों की उन कमेटी के आह्वान पर यहाँ अगर कोई भी फैसला लिया जाएगा तो उसके बाद कोई बड़ा आंदोलन करने से भी ये कर्मचारी पीछे नहीं हटेंगे। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि ये सारी बसें किस तरह से बंद पड़ी है, लेकिन अगर बसों के संचालन की बात करने लगे तो रोडवेज महाप्रबंधक की ओर से आज साफ तौर पर ये सुबह सवेरे कहा गया था कि जो कर्मचारी हड़ताल पर गए उन कर्मचारियों को एक लेटर यहाँ पर तैयार किया जा रहा है और ऐसे हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ जो विभागीय एक्शन है वो भी लिया जाएगा। फिलहाल बसों के संचालन की अगर बात करने लगे तो विभाग के मुताबिक, विभाग के अधिकारियों के मुताबिक यहाँ पर बसों का संचालन बदस्तूर जारी है और यात्रियों को कोई असुविधा नहीं आने दी जाएगी, ऐसा रोडवेज के महाप्रबंधक की ओर से आज सुबह सवेरे कहा गया था। जी श्वेता, लेकिन आप कह रहे हैं कि आम जनता को मुश्किलें नहीं आने दी जाएगी और हम साफ तौर पर तस्वीरों में देख रहे हैं कि सभी बसें जो है यहाँ पर खड़ी हुई हैं। आपने खुद ही बताया कि बसें यहाँ से नहीं चल पा रही हैं, तो आम जनता की मुश्किलें तो अपने आप ही बढ़ गई जब बसें नहीं चल रही। तो देखिए श्वेता, यहाँ बता दें आपको खास तौर पर कि जो बसें ये खड़ी आप देख रहे हैं ये रेवाड़ी के वर्कशॉप के अंदर खड़ी हुई बसें हैं। जहाँ तक की बस अड्डा की अगर बात करें तो बस अड्डा के अंदर कुछ बसों का संचालन यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें मुख्य तौर पर एसटीए परमिट की बसों की अगर बात करने लगे या फिर 18 दिन की जो कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल यहाँ पर की गई थी उस दौरान जिन ड्राइवरों की भर्ती प्रदेश सरकार की तरफ से की गई थी, ऐसे कुछ ड्राइवर उन बसों का संचालन कर रहे हैं। जैसा की महाप्रबंधक की ओर से बताया गया है कि यात्रियों को कोई असुविधा नहीं आने दी जाएगी, तो कुल मिलाकर के यही कहा जा सकता है कि पूरी तरह से चक्का जाम यहाँ नहीं कहा जा सकता, एक तरह से मिला जुला असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। विभाग पूरी कोशिश में है कि बसों का संचालन यहाँ पर कराया जाए और यात्रियों को कोई असुविधा नहीं आने दी जाए। तो रेवाड़ी में मिला जुला असर जो है वो देखने को मिल रहा है और आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर लगातार जो है कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लामबंद नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। मुकेश राजपूत हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश, तो लगता है कि उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। तारा ठाकुर पंचकुला से हमारे से जुड़े हुए हैं। तारा ठाकुर, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से बताया जा रहा है कि कुछ एक बसें चल रही हैं लेकिन उतनी फ्रीक्वेंसी नजर नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं आम जनता को मुश्किलों का सामना करना पड़ ही रहा होगा, क्योंकि एक तो पहले से ही ये कहा जाए कि बसों की संख्या कम है और कुछ एक बसें जब नहीं चल पा रही हैं तो किस तरह से मुश्किलें बढ़ गई आम जनता की? जी बिल्कुल श्वेता, लोगों की जो है मुश्किल जरूर है, क्योंकि पंचकुला से अगर बात की जाए इतना ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से हड़ताल है और कुछ जिलों के लिए जो सर्विसेज हैं वो यहाँ से बाधित हो रही हैं, लोगों के मन में डर भी है कि कहीं यहाँ से बसें जो चल रही हैं आगे किस प्रकार से किसी यूनियन के द्वारा या प्रदर्शनकारियों के द्वारा रोक ना लिया जाए। तो लोग भी बहुत कम आज जो है बस स्टैंड में पहुँच रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हरियाणा रोडवेज जो पंचकुला के हैं उनके द्वारा कोशिश यही की जा रही है कि किसी प्रकार से मुसाफिरों को समस्या ना आए और
आपको पहले भी बताया था कि जींद, हिसार, कैथल के जो क्षेत्र है वहां पर इसका असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसलिए जो है पंचकुला से इन जिलों के लिए जो बसें नहीं भेजी जा रही हैं, लेकिन अन्य जो जिले व राज्य हैं जिस प्रकार से दिल्ली, हिमाचल या अन्य पंजाब के लिए जो बसें जाती हैं उनको जो है लगातार अपने टाइम पर भेजा जा रहा है। और यहाँ पर देखा जाए लोकल बसें जो है वो भी लगातार चल रही है ताकि लोगों को किसी प्रकार से समस्या ना आए, जो स्कूली छात्र हैं, जो काम में आने वाले लोग हैं उनको किसी प्रकार की समस्या ना आए। ठीक है, प्रशासन की तरफ से कोशिशें की जा रही है कि यात्रियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। यात्रियों को क्या कुछ कहना है उनकी जुबानी हम सुन लेते हैं कि किस तरह की मुश्किलें उन्हें पेश आ रही है। डेली जाना है, 5 बजे से खड़े हैं यहाँ पे, कोई बसेज नहीं है, कुछ नहीं है, ऊपर से ट्रेन भी कैंसिल है, तो प्रॉब्लम तो हो ही रही है। अब जाना है तो नहीं जा पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो। आज का जो ये नज़ारा है, ये 28-29 दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का हिस्से के रूप में हरियाणा रोडवेज का एक कर्मचारी आज पूरे जोश खोश के साथ किसान, मजदूर, व्यापारी तमाम तबकों के साथ लेके पूरा डिपो बंद किया हुआ है। निजीकरण के खिलाफ, वैसे भी संयुक्त किसान मोर्चा निजीकरण के खिलाफ है। संयुक्त किसान मोर्चा चाहता है कि निजीकरण है ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, निजीकरण नहीं होना चाहिए, रेगुलर नौकरियां होनी चाहिए, रेगुलर सिस्टम होना चाहिए और भर्तियां होनी चाहिए। निजीकरण की वजह से रेवेन्यू डिपार्टमेंट का बुरा हाल है, निजीकरण की वजह से शिक्षा का बुरा हाल है, सभासत्य का, BDO ब्लॉक का, रोडवेज का, रेल का, जो निजीकरण है ये एक बहुत, इससे आम जन को दुखी होना पड़ता है। इसलिए निजीकरण को खत्म करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चे का पूरा आह्वान है कि अपील करते हैं कि जिस तरह 2 दिन की हड़ताल है, साढ़े सारे कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और साढ़े GM साहब भी जोड़े ने वो भी रोडवेज दे, लेकिन उन्होंने भी थोड़ा सोचना चाहिए। अभी रोडवेज में बचाने वास्ते हड़ताल कर रहे हैं, ना कि किसी खुशी नाल कर रहे हैं। इस वास्ते किसानों की भी हड़ताल हुई है, वो भी हिस्सा लेंदे रहे। देखो किसानों ने हड़ताल करी 1 साल 3 महीने, वो भी कामयाब हुए हैं। इस वास्ते मैं सारे अपील करता जिन्हें भी मेरे रोडवेज के कर्मचारी रिटायर ने, सारे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए ताकि पिछे नहीं हटना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर आह्वान जो है वो किया जा रहा है और 2 दिन तक सड़कों पर बसें जो है वो नहीं दिखाई देंगी। हालांकि प्रशासन की तरफ से कोशिशें की जा रही है कि आम जनता को मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि जमीनी स्तर पर यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बसें पहले से ही कम हैं और यदि बसें अब और नहीं चलेंगी तो यात्रियों की मुश्किलें बढ़ना तय हैं। तो लगातार हमारे संवाददाता ललित हमारे साथ बने हुए हैं बहादुरगढ़ से। बहादुरगढ़ का हम रुख कर लेते हैं। ललित, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना है यदि इस तरह से हड़ताल लगातार जारी रही और प्रशासन या सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया तो फिर अगला कदम क्या होगा? जी बिल्कुल सविता, जिस प्रकार से लगातार कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं उसके कारण आम लोगों को भी काफी समस्याएं हो रही है। कर्मचारियों का साफ कहना कि आज तो केवल हमारी 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल है, सरकार फिर भी हमारी बातें नहीं मानती, तो हमारा आंदोलन इसी प्रकार से जारी रहेगा। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से देवीलाल पार्क में कर्मचारी इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और सरकार से मांग की जा रही है कि जो भी इनकी मांगे हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि लगातार कर्मचारियों के साथ कई दौर की वार्ता हो चुकी है लेकिन कोई भी समाधान नहीं हुआ है। उसी के विरोध में जो राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल है उसमें बहादुरगढ़ में असर देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार से जो कर्मचारी है यहाँ पर इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और जैसे ही 12 बजे के बाद शहर भर में यहाँ से जो है प्रदर्शन किया जाएगा और रोहतक रोड और मेन बाजार से होते हुए इस प्रदर्शन को किया जाएगा और सरकार के सामने अपनी मांगे रखी जाएगी। और सविता, इनका साफ कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती, कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं करती और जब तक समान काम समान वेतन नहीं देती, जब तक हमारा आंदोलन इसी प्रकार जारी रहेगा। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो कर्मचारी हैं उनका आक्रोश देखने को मिल रहा है। सुबह से ही जो है कर्मचारी हैं अपने कार्यालय के बाहर बैठकर प्रदर्शन किया है और अब संयुक्त इकट्ठा हो रहे हैं, यहाँ पर इकट्ठा होकर संयुक्त जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। यहाँ पर और भी अन्य कर्मचारी नेता हैं, उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है और उनका और यहाँ पर जो कर्मचारी नेता उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है। क्या नाम जी आपका? मेरा नाम जयकरण है। जयकरण जी, हाँ जी। अब आपको पता ही है
बिल्कुल ललित, देखना होगा कि सरकार कब तक इनकी मांगों पर गौर करती है, क्योंकि पिछले काफी समय से जो है हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर कई बार उन्होंने प्रदर्शन किया है, लेकिन सरकार की ओर से सिर्फ आश्वासन अभी तक दिए गए। सरकार कब तक इनकी मांगों पर गौर करेगी, क्या कार्रवाई करेगी, ये देखने वाली बात होगी। रेवाड़ी से अजय अत्री हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, आप रेवाड़ी में किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं, क्या कुछ कहना है यहाँ पर हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों का, यदि मांगे नहीं मानी जाती हैं तो फिर अगला कदम उनका क्या होगा? जी बिल्कुल श्वेता, इसमें कोई दो राय नहीं कि लगातार लंबे समय से जिस तरीके से कर्मचारी यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बात अगर भाजपा के शासनकाल की कर लें तो पिछले 7 सालों के दौरान भी कर्मचारियों का आक्रोश कम नहीं हुआ है, और उसी का नतीजा कहें कि लगातार गेट मीटिंग से लेकर के धरना प्रदर्शन और बड़े आंदोलन तक यहाँ के कर्मचारी कर चुके हैं, और 18 दिन की जो हड़ताल है रोडवेज कर्मचारियों की वो अपने आप में एक मिसाल कही जा सकती है कि लगातार 18 दिनों तक यहाँ पर संघर्ष रोडवेज के कर्मचारियों के द्वारा किया गया। और आज भी आप देख रहे हैं किस तरीके से तस्वीरों में कि यहाँ पर जो है लगातार कर्मचारी धरना प्रदर्शन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इसका साफ तौर पर कहना है कि सरकार अगर अब भी समय रहते उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो अब वो चुप नहीं बैठेंगे, और केंद्रीय कमेटी और स्टेट कमेटी के आह्वान पर यहाँ जो इन कर्मचारियों के द्वारा एक बड़ा आंदोलन फिर से सरकार को देखने को मिल सकता है, क्योंकि कर्मचारी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग यहाँ पर कर रहे हैं, समान काम समान वेतन की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। बिल्कुल, बड़ा आंदोलन जो है वो सरकार के खिलाफ यहाँ पर हो सकता है, और तमाम तस्वीरें जो है इस तरह की जो बात है वो बयां भी कर रही हैं। अजय अत्री को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, अपने हमारे चारों संवाददाता जो अलग अलग जगह से हमें बता रहे थे कि किस तरह से माहौल जो है वहां पर बना हुआ है और जमीनी स्तर पर किस तरह से आम जनता को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अजय अत्री का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। ललित जुड़े थे हमारे साथ, मुकेश राजपूत, साथ ही साथ तारा ठाकुर, इन चारों संवाददाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से जो हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी हैं अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, देखना होगा कि सरकार की ओर से कब तक इनकी मांगों पर गौर किया जाता है, क्या कुछ कदम उठाया जाता है। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।